पक्षियों से प्यार है तो आपकी ट्रिप के लिए परफेक्ट हैं ये पांच बर्ड सेंचुरी। अगर आप पक्षियों से प्यार करते हैं तो आपको पक्षियों को देखना या उनके बीच रहना भी बेहद पसंद होगा। वहीं अगर इसके साथ ही अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो आप बर्ड सेंचुरी या पक्षी अभयारण्य में घूम सकते हैं। आइए जानते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी। पक्षी प्रेमियों के लिए राजस्थान भरतपुर में बना केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान भी एक बेहतर स्थान साबित हो सकता है। यहाँ पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। पक्षी प्रेमी यहाँ क्रेन, पेलिकन, गुई, बत्तख, ईगल्स, वागटेल्स और वॉर्बलर्स जैसे पक्षियों को आसानी से देख सकते हैं। इस सीजन में स्थानीय पक्षियों के अलावा बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी होते हैं, जिनमें ज्यादातर पक्षी मध्य एशिया के होते हैं। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में स्थित सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य पक्षी प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पर पक्षी देखने के लिए सर्दी का समय काफी अच्छा है माना जाता है। यहाँ उत्तरी पिनटेल, ग्रेटर फ्लेमिंगो, एशियाई कोयल, पीला वागटेल, रोजी पेलिकन, यूरेशियन विजेन, कॉमन टील और साइबेरियन क्रेन जैसी पक्षी बहुत प्यारे लगते हैं। सर्दियों में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी घूमने आते हैं और कैमरों में पक्षियों को कैद करते हैं। चिल्का झील बर्ड सेंचुरी ओडिशा का चिल्का झील भी पक्षी प्रेमियों के लिए एक शानदार जगह है। सर्दियों में घूमने का एक अलग ही मजा है। यहाँ पर समुद्री ईगल्स, ग्रेले गुर्ज और बैंगनी मूरिन जैसी अनोखी प्रजातियों के पक्षियों का जमावड़ा रहता है। इस झील में कई छोटे द्वीप हैं, जिनमें रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षियों को उड़ते हुए कैमरे में कैद करना काफी अच्छा है लगता है। इसके अलावा ब्लैक बक, गोल्डन गल्स और क्रस्टेशियंस, मछली और प्रसिद्ध चिल्का डॉल्फिन भी देख सकते हैं। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात के अहमदाबाद शहर में सिलीत नल सरोवर पक्षी अभयारण्य भी पक्षी प्रेमियों के लिए एक अच्छी जगह साबित हो सकता है। यहाँ पर नवंबर से फरवरी तक का समय दुर्लभ पक्षियों को देखने के हिसाब से बेस्ट है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य में गुलाबी पेलिकन, फ्लेमिंगो, व्हाइट स्टॉर्क, ब्राह्मण बतख, बैंगनी मूरिन, भूरी और सफेद बेडिग बर्ड, प्लूम्बस, ब्लैक टेल्ड गोडवेट, स्टीइंट और सैंड पाइपर्स फ्लॉक के अलावा उल्लूस काफी मशहूर हैं। यहाँ पर भी इन महीनों में प्रवासी पक्षियों की काफी भीड़ दिखाई देती है। थिट्टेकड़ बर्ड सेंचुरी केरल के ये थिट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य की जितनी तारीफ की जाए कम ही लगती है। केरल का यह अभयारण्य विभिन्न प्रकार के कुकुओं के लिए जाना जाता है। शायद इसीलिए इसके एक भाग को कुकिंग स्वर्ग के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में दुनिया भर से पक्षी प्रेमी आते हैं।